क्या हुआ आसिफ, सोबिया को क्यों ढूंढ रहे हो? वो उसने किताबें मंगवाई थी, वो देनी थी। कहाँ है वो? नहीं, वो तो अभी यहाँ नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? यहाँ हमारे रिश्ते की ऑफिशियल बातें चल रही हैं। एक और बात मानोगे, अब आप अपनी आदतें बदलेंगे, घर में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और ताई अम्मी के साथ एक अच्छे बेटे बनकर पेश आएंगे। और कुछ? और ताया अबू के साथ अच्छा रवैया रखना होगा। ओके, बस बस, तुम्हारे इस लेक्चर से मुतासर होकर मैं तो सुधर गई हूँ, लेकिन वो नहीं मानेगा। क्या मतलब? आज फिर मिलने का कहा तो साफ इनकार कर देती, मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ करते हैं, ठीक है? क्या करना? वो पीछे नहीं हटे। क्यों? मैंने उसकी आंखों में खुद को देख ली। अच्छा जी, आओ चले। सुबिया? हाँ? तुम आज कॉलेज नहीं गई थी? गई थी। घर कब आई? जब छुट्टी हुई। तुम्हारी छुट्टी के वक्त मैं भी वहीं पे था, तुम्हारे कॉलेज के बाहर। अच्छा, वो मैं आज पिछले दरवाजे से निकली थी। क्यों? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बाहर खड़े होगे। पिछले दरवाजे से क्यों निकले थे? आसिफ, वो मैं... ये सब तुम मुझे इग्नोर करने के लिए कर रही हो? नहीं आसिफ, इग्नोर कर रही हो तुम मुझे, मुझे पता है। आसिफ, क्या हो गया? याद किया है ना,
आंसू मेरी गवाही बर्बाद किया है, टूटा है दिल बिखरा है दिल सारे आसमां जले जो सितारे अभी कम हुए मुझे प्यार ना मिले मुझको मेरे दिल ने रोका दिल दिया और मिल गया धोखा खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया जी रहे हैं बेखबर तुम हुए दे रहे हो जितने गम तुम बेअसर हो गए आग लगा देंगे जो तुम ना मिले काश खत्म हो जाए फोन आया था आमिर का। हाँ भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे इम्तिहान में नंबर लिए। नीनत भी तो कितनी करता है। हाँ और उसका नतीजा भी नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मेहनत भी करते हैं और उसका नतीजा भी कुछ हासिल नहीं। हर चीज का नतीजा एक लम्हे में तो नहीं आ जाता। वो बस रहने दो बस कहने की बातें अब वकालत करने ना बैठ जाना ये बताओ कि खाने में कुछ मिलेगा या वो भी गायब है आज तुम्हारे बेटे की तरह। तायबू तायमी आप लोग आ जाएं खाना तैयार है। बेटा वो आसिफ आ गया? नहीं अभी तो नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कोई अच्छी खबर सुनने को मिली वरना तुम्हारी ताई अम्मा तो बेटे के इंतजार में भूखा मारने चली थी। चलो बेटा तुम चलो आ रही है जी। चलो तुम भी चलो लगवाओ खाना बातें करवा लो। माशाल्लाह आमिर ने दिल खुश कर दिया। कैसा बनाया ताबू आज खाना? मैंने बनाया माशाल्लाह जीती रहो बहुत अच्छा माशाल्लाह। तुमने से खाना क्यों बनवाया? मैंने तो बहुत मना किया था ये मानी नहीं। जी मैंने ही कहा था एक्चुअली आज मेरा दिल चाह रहा था कुकिंग करने का फिर सायमा भी नहीं आई थी तो मैंने सोचा अच्छा मौका है। मैं जरा चावल लेके आती हूँ। ताई मैं ले आती हूँ आप प्लीज बैठिए। सुनो मैं सोच रहा था कि सलमा होई से बात करूं कि मैं सोफिया को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्या एतराज हो सकता है मेरे लिए तो ये बेटियों से भी बढ़ के है। अच्छा तो फिर सोचते हैं इस बारे में करता हूँ बात। ताई को आप ऑर्डर लेंगे? नहीं बेटा मैं फुल हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया बहुत अच्छा खाना लजीज खाना बनाया मैंने बस चाय पीऊंगा अपनी बेटी के हाथ। ठीक है मैं बस अभी लाती हूँ। अच्छा ताई में आप लेना। जीती रहो बेटा। सोबिया तुम रहने दो चाय मैं बना लूंगी। नहीं ताइमी मैं ले आऊंगी बल्कि आप भी रूम में जाएं मैं आप दोनों के लिए रूम में ले आती हूँ। चली तो जाऊंगी लेकिन आसिफ की वजह से इतनी परेशान रहती हूँ पता नहीं इस वक्त बिन मौसम बरसात बन के कहाँ मारा मारा घूम रहा होगा। आप फिक्र ना करिए बल्कि आप रूम में जाके सुकून से सो जाए। जिस माँ का ऐसा बेटा हो जो दो दिन खुशी दे और चार दिन गम उसकी माँ को सुकून कैसे आ सकता है? टाइम ही मैं देख लूंगी वो जब भी आएगा मैं दरवाजा भी खोल दूंगी।
फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है। ताहिर, तुम जानते हो मैंने सारी जिंदगी कैसे गुजारी है और मेरे क्या ख्वाब हैं। मैं आगे एक पूरे साइज जिंदगी चाहती हूँ ताहिर, एक अच्छा खूबसूरत घर चाहती हूँ, घूमने फिरने के लिए गाड़ी चाहती हूँ, नौकर चाकर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस चीज पर हाथ रखूँ वो मेरी हो जाए। और तुम पहले जाओ तो सही, अपनी जिंदगी तो बनाओ, फिर सोच लेंगे सबके बारे में। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं, जमाने के साथ चलना पड़ता है। रुको, वो दरअसल सुबह में मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो। क्या? मैं ये कह रही हूँ कि सुबह मुझे प्लीज कुछ मत कहो, तो प्लीज हसन। चेंज कर लो, सो जाओ, काफी रात हो गई है। कितनी सिगरेट्स पियोगे आसिफ, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। इतनी आसानी से नहीं मरता। आसिफ, I'm really sorry, मैं दरवाजा बंद करके जा रहा। चाय रखिए, पी लेना। ताइमी, कहीं जा रही हो आप? हाँ, वो आमिर का दोस्त आया हुआ है ना, तो तुम्हारे ताया अबू ने कहा आमिर को कुछ चीजें चाहिए, वो मैं बाजार से लेने जा रही थी। अच्छा, तुम चलोगी? नहीं, मैं अपना कॉलेज का काम कर लूंगी और फिर आसिफ की तबीयत तो हाँ, मैं भी देखो उसको दवाई देना ही भूल गई। खाली पेट क्या देंगी, मैं बाद में दे दूंगी उसे, आप आराम से जाए। अच्छी बात है, दवाई दे दोगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, खुदा हाफिज़, जल्दी आ जाऊंगी। ताई अम्मी किसी काम से बाहर गई हैं, कहकर गई हैं कि मैं तुम्हें ये मेडिसिन दे दूँ। वो तो कुछ भी बोलती रहती है, तुम मान लेती हो।
ऐसे ना कहो, माँ है वो। हाँ माँ है वो मेरी, मैंने कब कहा कि नहीं है। और तुम? मैं तुमसे नहीं मिली, गलती मेरी है। और सजा खुद को क्यों दे रहे हो? परेशान तुम होते हो और अजियत मुझे मिलती है। हसीफ, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम उठो ये मेडिसिन खाओ। उठो। खा लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम अभी खाओगे, उठो ये लो पानी। तुमने फिर से सिगरेट्स पिए ना बहुत ज्यादा। हाँ तुम आराम करो। सूप ले जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? सिर्फ मेरे साथ नाराज की अपनी शक्ल, खुद के साथ तो ये ना करो। मम्मी को बुला दो। वो तायबू के साथ बाहर गई है किसी काम से। हाँ, मैं भी भूल जाता हूँ। जब जब मुझे उनकी जरूरत हुई है वो नहीं थी। भूल जाता हूँ मैं। काट लो। हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ये नहीं पी सकते। एक दफा ये पीऊंगा तो थोड़ी देर में खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। मैंने कहा ना आसिफ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ये नहीं पियोगे। क्यों क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, किस वजह से? हाँ ठीक है, तुम चाहे मुझसे बात करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करने दूंगी, समझे? जाओ यहां से, तुम्हें कोई देख लेगा प्लीज। जाओ यहां से। आज मुझे कोई देख भी लेना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तुम्हें मना नहीं लूंगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही बैठी रहूंगी। थोड़ा सा सूप पी लो। दिल तो दुखा है ना, पर याद किया है ना, आंसू मेरी गवाही बर्बाद। थोड़ा सा पी लो। ले जाओ इसे, मेरी आदतें खराब मत करो प्लीज। जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजरने दो, जाओ प्लीज ले जाओ इसे। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बहुत दूर निकल आए।
नहीं जानते हो और मैं भी। मेरी खातिर थोड़ा सा सूप पी लो। बस ऐसे नहीं हो सकता, अभी तुम्हें इसको खत्म करना है, फिर मैं तुम्हें दवा भी दूंगी। वैसे बुखार तो उतर चुका है तुम्हारा, बस थोड़ी सी वीकनेस है और बाकी तुम्हारे नखरे। तो फिर इसके बाद हम जाके बाहर बैठे, मौसम बहुत अच्छा है। देखते नहीं है, चलो। ये ले जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम पूछोगे नहीं कि मैंने कल ऐसा क्यों किया। आसिफ, मैंने तो कहा भी था कि यूं रोज रोज कॉलेज से निकलना अच्छी बात नहीं है। मुझे डर लगता है आसिफ, अगर किसी ने देख लिया तो। वैसे भी हम घर पे रोज तो मिल सकते हैं, फिर घर में मिलने से क्या मसला है। यूं ना किसी के पकड़े जाने का डर। अगर तुम कहोगे ना तो मैं दिन रात तुम्हारे पास बैठी रहूंगी, और फिर इतना हम घर पे भी होंगे, और मुझे जब पढ़ना होगा तो मैं पढ़ भी लूंगी, पढ़ाई का भी खर्च नहीं होगा। अगर तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो मैं बता दूं कि मैं घबरा गई थी क्योंकि समीना को हमारे बारे में पता चल गया। आसिफ, अगर तुमने अभी मुझसे बात न की ना तो ठीक है, अच्छा है, मुझे भी किसी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है, देखो हमारे सपोर्ट में एक बंदे का इजाफा हो गया। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुम्हें, अब कैसे मुस्कुरा रहे हो। कितना तंग किया है तुमने, अब मैं भी नाराज हो जाऊं, सताऊं तुम्हें जैसे तुमने मुझे सताया। कोशिश कर लो, तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। क्यों, तुम्हें कोई फायदा हुआ है क्या? हाँ, ये कि तीमारदारी भी करवाई जा सकती है। अगर तीमारदारी किसी मोहब्बत करने वाले के हाथ से हो तो इंसान कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा हम बाहर हैं। क्या हो गया, अभी तो बड़ी शेर बन रही थी, कोई भी आ जाए कोई भी देखने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया तुम्हें, हैं? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं और तुम कितना अच्छा है ना। हाँ, तुम्हारी बात। बारिश होने वाली है, अंदर से किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पूरा इस्लामाबाद खरीद के भेजते हैं उसको। आप लोग आ गए, अब तो इसकी जो चीजें लाई उसको तो दो ना। हाँ, ये और वो वाला बैग भी पकड़ा है, वो ब्लैक वाला। हाँ ये। थैंक यू सो मच तायमी। तो बोली गई आसिफ बेटा,
तबीयत कैसी है वहाँ? ठीक। देखो तुम्हें तो अभी भी बुखार है, दवाई ली थी? जरा खुल के बताओ, माँ पूछ रही है तुम्हारी तबीयत है? अच्छा भाई ये सारी चीजें जरा पैक वैक कर दो, मैं जरा थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। अच्छा सुनो, जुशांदा बना दो, सूप बना दो, काम करो, यखनी पी लो ना। ओ हेलो, यही खड़ी रहोगी? उठाओ चीजें और आओ मेरे साथ। जी बाद में लेके जाती हूँ। ये शख्स जानबूझकर करता है मेरे साथ ये सब, पता है मुझे। और मैं सोबिया, क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, वो आसिफ से गलती से दरवाजे पर लग गई थी। शुक्र है मजीद ने नहीं देखा, वरना दोनों के दरमियान जंग छिड़ जाती। देखा मुझे कितना तंग करता है ये। परेशान ना होना, बस अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाभी? शाइस्ता के लिए बहुत परेशान। क्या हुआ शाइस्ता को? सूबिया से कहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं और मैं भी भूल गई। तो आप दोबारा फोन कर लें। याद दिलाती हूँ उसे, लेकिन आप तो जानते हैं कुछ भी करने से पहले पैसों का बंदोबस्त करना होगा। आप तो जो भी चाहिए बताइए। पहले आपको रफीक भाई को थोड़ा तंग किए, जो अब और तंग करो। कैसी बातें कर रही हैं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। बस बाजी, अल्लाह का ही सहारा है, आप दुआ करें। ओह, आप उसको अपने घर ले आए ना? यही सोच रही, लेकिन फिर उसके शौहर को कौन देखेगा, वो भी तो। भाभी जान है तो जहान है, उसकी सेहत सलामती होगी तो किसी का ध्यान रखेगी ना। आप बस उसको कह दें डॉक्टर को दिखाए और डिलीवरी तक आपके पास आ जाए। करती हूँ मैं उससे बात। चाय तो पिए, आप ठंडी हो जाएगी। मैं वापस चली जाऊं? अच्छा बाबा ये लो। क्यों बुलाया था? बातें करनी थी तुमसे। बातें करने का दिल चाह रहा था? वक्त देखा, रात का एक बज रहा है, शरीफों वाली हरकतें नहीं होती है। तुमसे किसने कहा मैं शरीफ हूँ? तुमसे किसने कहा तुम शरीफ नहीं हो? इस घर में जाके किससे भी पूछ लो। मैं भी इसी घर में रहती हूँ। तुम्हारे सिवा तुम्हारे वो ताया भी है ना, उसकी तुम बड़ी सगी बनी फिरती हो आजकल। क्या मतलब है इस बात का? ताया है वो मेरे। जो भी है भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उनकी हर बात पे सर झुकाया करो। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या कुछ नहीं किया दोनों बाप बेटे ने मेरे साथ। एक दफा मामा को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिनकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। मैं और आमिर एक साथ सोते थे, फिर तुम्हारे वो ताया बू आए और आमिर को अपने साथ सुनाने लेके चले। मैं उस रात मैंने कितनी मिन्नत की, कितना रोया, कितना चिल्लाया कि प्लीज मुझे यहाँ ना छोड़े, मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे डर लगता है, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मैं अकेला नहीं रह सकता। लेकिन उनके लिए तो उनका बेटा आमिर ज्यादा अजीज था, और वही हुआ। सारी रात डरते डरते मैंने अंधेरे कमरे में गुजारी, क्योंकि मैं तो सुतेला था। सुतेला? हाँ, क्यों तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा, वो तो दुबई में ही रहते थे। मैंने तुम्हें और आमिर को एक साथ ही देखा है,
मुझे तो कभी कभी किसी ने नहीं, मैं तो यही समझती रही कि तुम यही वजह, पता तुम पूछती हो ना मुझसे कि मैं इस घर में क्यों नहीं रहना चाहता, यहां से भाग जाना चाहता हूं। डर लगता है मुझे यहां से, यहां मेरे मेरी सारी खुशियां कुचल दी गई, मेरा हसीन बचपन मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बना दिया गया। डर लगता है मुझे यहाँ की दीवारों से, क्या करूँ यहाँ से जा भी तो नहीं सकता। जानती हूँ क्यों बता, माँ रहती है यहाँ मेरी, इसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये दोनों बाप बेटा जो अजियत मुझे देते हैं उसकी सजा जाके मैं अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि ये जहन्नम मेरी माँ के लिए एक घर है जहाँ उनका शौहर रहता है जिसने उसे उस वक्त छत दी जिस वक्त इस पूरी दुनिया में उस औरत और उसके इस बेटे को कोई रखने को तैयार नहीं था। शान तो है उस शख्स का, हम शान तो है। पता है सब सब गलत कहते हैं कि तुम में एहसास नहीं, तुम तो बहुत बेहस हो। कोई अगर मुझसे पूछे ना तो मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि तुमसे ज्यादा एहसास करने वाला शख्स मैं नहीं जानता। सारी रात डरते डरते मैंने अंधेरे कमरे में गुजारी क्योंकि मैं तो सुतेला था। कौन? आसिफ कौन है? बाप बेटा जो अजियत मुझे देते हैं उसकी सजा जाके मैं अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि ये जहन्नम मेरी माँ के लिए एक घर है जहाँ उनका शौहर रहता है जिसने उसे उस वक्त छत दी जिस वक्त इस पूरी दुनिया में उस औरत और उसके इस बेटे को कोई रखने को तैयार नहीं था। शान तो है उस शख्स का, हम से क्या हो गया? पहले मुझे बताओ कि अम्मा अप्पा किधर हैं? वो शाइस्ता आपा की तरफ गए सलमा उमानी के साथ। खैरियत? हाँ हाँ ऐसे ही मिलने गए। तुम बताओ क्या हुआ? भाई मेरे पास है तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या? भाई जनाब की दुबई में नौकरी हो गई है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास ईमेल नहीं आई होगी? और वैसे बड़े ही अफसोस की बात कि मुझे मेरे देवर ने बताया और मेरे भाई को तौफीक नहीं हुई कि बहन को बता दे, और अब ना मैं मुंह मीठा करवाए बगैर नहीं जाने वाली, तो जल्दी से जाओ मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। अच्छा अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ। और बात सुनो, ये आपके साथ जाए? अच्छा अब तुम आई हो तो मेरे लिए चाय तो बना दो। मुझे पता था
लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली, वो भी तुम ही बनाओगे। अब जल्दी जाओ। तौबा यार, कैसी बहन हो तुम? ऐसी हूँ। प्यास मुझे लगी थी, पानी तुमने पी लिया सारा? तुमने भी पीना था? जी। पहले भूल थी। ये लो। आसिफ, क्या कर रहे हो आसिफ? आसिफ। एक्सक्यूज मी। ये क्या हो रहा है? अल्लाह जाने खेल कब से खेला जा रहा है। क्या कर रही है दोनों? इतनी फ्रैंकनेस।